गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास आपको होमवर्क मिला था, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग सेल लेड पीवी प्लस एचजीसीएल टू चेंजेस टू पीवीसीएल टू एंड एचजी, एंड दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन 1.5 × 10⁻⁴ वोल्ट पर केल्विन एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमें क्या करना था, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस। अच्छा, इसका आंसर बताते हैं जो लोग कर लिए हैं उनके लिए। फर्स्ट इज द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। हमें एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है, तो बताइए एंट्रोपी चेंज रिएक्शन के लिए कैसे लिखते हैं हम, डेल्टा आर एस। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ रिएक्शन इज एन एफ इन टू टेम्परेचर कोफिशियंट डी ई सेल अपॉन डी टी एन। यहाँ से चेक करिए, देखिए लेड चेंजेस टू लेड क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर लेड पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर बताइए क्लोरीन पे तो सिंगल माइनस होता है, दो एटम है यानी कि टोटल टू माइनस, तो देखिए लेड पे कितना चार्ज होगा, टू प्लस यानी दो इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसे देखिए एच जी सी एल टू, यहाँ पर कितना प्लस टू और यहाँ पर जीरो, यानी कि प्लस टू से जीरो, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन्स, टू और टू का एलसीएम निकाल लेंगे कितना आएगा, टू आएगा, यानी कि नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना आना है मेरा, टू। आप चाहे तो पूरा लिख के रिएक्शन लिख के भी कर सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मतलब हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमें नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पता चल गया, दैट इज टू। देखिए एन इज इक्वल टू टू, फराडे की वैल्यू कितनी होती है 96,500 कूलम्स। अब ये हमारा टेम्परेचर कोफिशियंट, ये देखिए पहले क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दिया है 1.5 × 10⁻⁴। सो इट इज 1.5 × 10⁻⁴ का हम नीचे लिख ले कितना 10⁴। इसको सॉल्व करें, देखिए ये हो जाएगा 0 0, 2 5 10 6 12 13 18 19 इंटू 1.5 upon 1 2 3 4। अब देखिए 3 0 तो 3 0 ऐसे ही कैंसिल हो गया, 10 से इसको करिए 19.3 हो गया, क्या बचा 19.3 × 1.5। इसको सॉल्व करिए, 15 3 45 4 59 1 135 and 4 139 15 3 20 15 and 3 sorry 13 28, ये हो जाएगा 289 डेसिमल पॉइंट 12। इट मीन्स आंसर इज गोइंग टू बी 28.95 जूल। ठीक है, आंसर विल बी 28.95, सही है, सिंपल था। चलिए, सबने कर भी लिया होगा पता है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किधर गया। ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज जिंक चेंजेस टू जिंक आयन, दैट इज विथ कंसंट्रेशन 1 मोलर, कॉपर आयन चेंजेस टू कॉपर दैट इज ऑल्सो 1 मोलर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ई नॉट जिंक चेंजेस टू जिंक आयन, यानी कि ये क्या दिया हमें एसओपी, कैसे पता चला मुझे। देखिए जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर जिंक पे चार्ज 0, यहाँ पर 2 प्लस, जैसे ही चार्ज बढ़ता है वो कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन, यानी कि हमें क्या दिया एसओपी। ये देखिए ये भी क्या दिया हमें एसओपी, लेकिन हमें अपनी वैल्यू के लिए क्या चाहिए होता है, हाँ एसआरपी चाहिए होता ना। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, पहला काम हम क्या कर लें, ई सेल कैलकुलेट कर लें, या उससे पहले भी हमें इनॉट सेल कैलकुलेट करना होगा। तो करिए इनॉट सेल का फॉर्मूला क्या बनेगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। देखिए कैथोड कॉपर बना रहा है, ये क्या है इसकी एसओपी, हमें क्या चाहिए इसकी एसआरपी, एसआरपी वैल्यू बताइए कितनी आएगी, ये नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव में आएगी 0.34। बात समझ में आ रही है मेरी, कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम लिख लेंगे 0.34
थ्री फोर माइनस। अब एनोड की तरफ चलते हैं, एनोड हमारा जिंक बना रहा है। ये देखिए ये एसओपी वैल्यू पॉजिटिव है, तो बताइए इसकी एसआरपी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, यानी कि माइनस 0.76। बात समझ आ रही है? तो चलिए इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं, दिस इज माइनस 0.76। ध्यान रहे ये माइनस ये रिलेशन वाला है और ये माइनस उसकी एसआरपी वैल्यू वाली है। देखिए जब भी दो सिंबल एक साथ आते हैं वो भी सेम टाइप के, तो कैसे कन्वर्ट होते हैं? पॉजिटिव में। इट मीन 0.34 प्लस 0.76, इसको ऐड करिए 10, 7 3 10 11 डेसिमल पार्ट्स, सो दिस इज गोइंग टू बी 1.1 वोल्ट। तो आप कहीं लिख लीजिए यहाँ पर आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई, 1.1 वोल्ट। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, ठीक है हमें डी ई सेल और डी टी भी दे रखा है। चलिए हम यहाँ से क्या निकालेंगे, टेम्परेचर कोफिशियंट। देखिए टेम्परेचर कोफिशियंट कैसे निकालते हैं, डी ई सेल अपॉन डी टी की वैल्यू होती है ना टेम्परेचर कोफिशियंट, तो डी ई सेल आपको दिया है, देखिए कितना दिया है 0.004 अपॉन डी टी की वैल्यू दिया है 10, ये वोल्ट में ये केल्विन में, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0004, दिस विल बी वोल्ट पर केल्विन। इसको भी यहाँ रख लेते हैं हम लोग, कितना आया 0.0004, ये हमारा टेम्परेचर कोफिशियंट। ठीक है, हमें देखिए क्या निकालना है, डेल्टा आर एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ रिएक्शन, तो लिख लीजिए डेल्टा आर एस इज इक्वल टू एन एफ डी ई सेल अपॉन डी टी। तो देखिए एन की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 96,500, सही है ना? हाँ, डी ई सेल अपॉन डी पी, डी पी नहीं है डी टी है, दिस विल बी 0.0004। अभी हमने कैलकुलेट किया था, एक बार देख लीजिए, सही है? तो चलिए अब क्या करना है, हाँ इस सबको हटा के इनको अपॉन में ले आइए, अपॉन में देखिए कितना 1 2 3 4 0 आ जाएगा, देखिए 2 0 2 0 ऐसे ही कैंसिल हो गया, और देखिए 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई करिए, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 एंड 4 52 5 72 एंड 5 77 अपॉन कितना नीचे 100 बचा है ना, चलिए 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करिए देखिए कितना हो जाएगा 77.2 जूल। देखिए पहला आंसर आ गया 77.2 जूल। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, डेल्टा आर जी क्या करना है हमें, ये कौन सी पेज आ गई, एक मिनट नहीं कुछ गड़बड़ है, कहाँ गया वो, हाँ ये था ना, चलिए हमें क्या निकालना, डेल्टा आर जी इसका फॉर्मूला क्या था, माइनस एन एफ ई सेल। तो देखिए माइनस एन की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 96,500, ई सेल की वैल्यू बताइए, कैलकुलेट किया था हमने ना कितना आया था, अभी तो कैलकुलेट किए थे, कहाँ चला गया, लग रहा है इरेज कर दिया हमने, वो वैल्यू देखिए कितनी आई थी, 1.1 वोल्ट आई थी। ठीक है, ये तो माइनस में आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 0 0 2 5 जा 10 2 6 जा 12 13 18 19 × 11/10 कर लीजिए, इस 0 6 0 उड़ा दीजिए, 11 का मल्टीप्लाई करिए, माइनस 0 0 33 99 एंड 3 102 11 एंड 10 21, ये वैल्यू आ गई इतना जूल, दिस इज आवर डेल्टा आर जी, कितना आ रही है, -212300। देखिए -212300। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, तो देखिए डेल्टा एच का फॉर्मूला
हमें डेल्टा जी का रिलेशन पता है, दैट इज डेल्टा आर जी इक्वल टू डेल्टा आर एच माइनस टी डेल्टा आर एस, ये कीवर्ड में आपको बताया गया है। डेल्टा आर जी आपको दिया, अभी कैलकुलेट किया था आपने ना, माइनस 212300। डेल्टा आर एच आपको निकालना है, इसको ऐसे रहने दीजिए, माइनस टी, देखिए टेम्परेचर दिया है ना, किस टेम्परेचर पर हमें निकालना है, 25 डिग्री सेल्सियस, देखिए कितना केल्विन होगा, 298। तो चलिए हम यहाँ रख लेते हैं 298 केल्विन इनटू डेल्टा आर एस की वैल्यू कितना है, 77.2 मल्टीप्लाइड बाई 77.2, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 212300 डेल्टा आर एच माइनस, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखिए दिस इज 98, सॉरी ये 298 होगा ना, हाँ ये तो टेम्परेचर केल्विन में लिखे थे, सो दिस इज गोइंग टू बी 298 मल्टीप्लाइड बाई 77.2, दिस विल बी 23005.6 एंड ओके okay, अभी क्या करना है, आप इस वैल्यू को उठा के इधर लेके आइए, तो ये है माइनस 212300, ये वैल्यू आप इधर लेके आएंगे, ये प्लस में हो जाएगा 23005.6 इज इक्वल टू डेल्टा आर एच, डेल्टा आर एच हमें निकालना है, इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए कितना आएगा, ये वैल्यू बड़ी है ना, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस करना होगा, तो चलिए करते हैं, 10 माइनस 6 4 डेसिमल हो गया, 9 माइनस 5 4, ठीक है ये हो जाएगा 9, दिस इज 2 एंड ठीक है वहाँ तक हो गया, 12 माइनस 3 9 एंड 20 माइनस 2 18, दिस विल बी 189294.4 जूल, चेक कर लीजिए, आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है, माइनस 189294.4 जूल, सही है, हाँ चलिए हमें पता आप लोग कर लिए होंगे, फिर भी ये जो लोग नहीं कर पाए थे मेरा काम है उनको बताना, ठीक है ये तो उसी का सॉल्यूशन पेज है लग रहा है, चलिए नेक्स्ट आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईएमएफ ऑफ अ सेल, किसी भी सेल की जो ईएमएफ होती है, हाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो किस पर डिपेंड करती है, पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, वो किस चीज़ का बना है, कॉपर का है, जिंक का है, हाइड्रोजन गैस का, मतलब प्लेटिनम के लेकर बनाया गया, किससे बना है इस पर डिपेंड करेगा, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज कर रहे हैं वो हम 0.5 मोलर लिए हैं, 0.1 मोलर लिए हैं, 1 मोलर लिए हैं, इस पर डिपेंड करता है, तीसरा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस पर डिपेंड करता है, और चौथा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सही है, तो ये चार फैक्टर्स हैं जिस पे कि हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल डिपेंड करता है। चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब तक जो आपने पढ़ा याद है आपको, स्टार्टिंग में हमने कहा था इस पूरे चैप्टर में हम दो टाइप के सेल्स पढ़ेंगे, पहला डैनियल सेल जैसे गैल्वेनिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हाँ दोनों में क्या डिफरेंस था, डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव, और क्या था इसमें, एनोड क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव और कैथोड क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो गैल्वेनिक सेल होती हैं या डैनियल सेल, वो कैसे होते हैं नेचर में, स्पॉन्टेनियस, यानी वो अपने आप काम करते रहते हैं, यानी केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, दैट इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसा नहीं है, जब हम बाहर से एक बैटरी लगाते हैं तब वो जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो आइए अब हम उसी पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, पहले टर्म्स हमारा जो सीखना हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल,
तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे तभी बाद में आएंगे, पहले हमें सीखना होगा कुछ पॉइंट्स किसके बारे में, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो चलिए उसको सीखने से पहले डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इट इज अ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इन द मोल्टेन और एक्वस फॉर्म यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। आपने कोई भी सब्सटेंस लिया है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो कैसा होना चाहिए, एक्वस फॉर्म में, यानी कि वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए, या फिर दैट शुड बी इन द मोल्टेन फॉर्म। मोल्टेन मीन्स लिक्विड फॉर्म, यानी कि आप हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस किसके कराते हैं, एक लिक्विड फॉर्म के नेचर वाली सब्सटेंस को। तो ये चीज़ करना है, वो भी कैसे, इलेक्ट्रोवर्ड किसे ली गई है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो जब आप किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं, यानी कि वो जिससे बना था उससे वो वापस उसको तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, सही है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले इलेक्ट्रोलिसिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नॉन स्पॉन्टेनियस, तब क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। रीजन क्लियर है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यानी कि हमें बाहर से बैटरी लगा के इसको सोर्स प्रोवाइड कराने की ज़रूरत पड़ती है। आइए हम एक एग्जांपल इसको समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, यानी कि मेरे पास जो घर पे सोडियम क्लोराइड होती है सॉल्ट, मैंने उसको इतना ज़्यादा ओवर हीट किया को किस में बदल गया, लिक्विड में। अब हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं, क्या उससे पहले भी करा सकते थे, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस की पहली कंडीशन जिसका आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराना है डेट शुड बी इन लिक्विड फॉर्म। तो मान लीजिए मेरे पास है, हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो फिर वही होगा, एक कंटेनर लेंगे उसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक बनाएगा एनोड दूसरा बनाएगा कैथोड। आपको याद होगा उस वाले सेल में यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या होता था, पॉजिटिव। हम इसे क्या कहते थे, एनोड, और इसे क्या कहते थे, कैथोड। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो बताइए ये क्या बन गया अब हमारा, कैथोड, एंड दिस शुड बी आवर एनोड। इसीलिए स्टार्टिंग के चैप्टर में हमने दोनों का डिफरेंस काफ़ी अच्छे से समझाया था आपको, क्लियर है। चलिए ये तो रही एक बात, यानी कि अब आपको इतना क्लियर हो गया कि इन दोनों में से ये वाला हमारा नेगेटिव चार्ज होगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज। अब मोल्टेन फॉर्म ऑफ आपने क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें मोल्टेन फॉर्म का मतलब क्या है, एक्वस फॉर्म में आयन एग्जिस्ट करते होंगे। अब कोई भी सोडियम क्लोराइड आप लेते हैं, जब ये डिकम्पोज होगा तो हमें क्या देता है, Na प्लस एक्वस फॉर्म में, प्लस Cl माइनस देगा एक्वस फॉर्म में। यानी कि जैसे ही आपने सॉल्ट को पानी में घोला वो Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूट जाता है। तो देखिए ये जो हमारा सेडेड पार्ट दिख रहा है ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन दिखा रहा है जिसमें कौन है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि ढेर सारे सोडियम आयन और ढेर सारे क्लोरीन आयन। अब आपको कुछ चीज़ अपने से गेस करना है, देखिए ये नेचर में कैसा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव, तो बताइए इस इलेक्ट्रोड के तरफ कौन से आयन्स जाएंगे, Na प्लस वाले या Cl माइनस वाले। हाँ अच्छा समझा, कौन जाएंगे, Na प्लस वाले। अच्छा Na प्लस यहाँ पे पहुँच के इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करके कंबाइन होके, क्योंकि Na प्लस का मतलब क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एक इलेक्ट्रॉन कम है, हाँ एक इलेक्ट्रॉन इसमें लूज कर रखा है यानी कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके ये क्या करेगा, यहाँ पे सोडियम मेटल में कन्वर्ट होगा, जैसे पिछले क्वेश्चंस में होता था डैनियल सेल में, उसी तरह से यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, यानी कि इस पूरे इलेक्ट्रोड पे चारों तरफ सोडियम मेटल क्या होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। एक बात, दूसरी चीज, अब देखिए ये इलेक्ट्रोड कैसा है, पॉजिटिव है, तो अब हमें ये होता है इसके पास कौन जाएगा, Na प्लस या Cl माइनस, Cl माइनस सब इसके पास जाएंगे। Cl माइनस का मतलब क्या है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही एक्स्ट्रा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 में कन्वर्ट होना चाहेंगे। आप पहले देखिए दो एटम है तो इसको बैलेंस कर लीजिए, एक माइनस चार्ज एक एटम पे था तो दो पे कितने हो गए, दो चार्ज। यानी कि ये देखिए ये क्लोरीन यहाँ इस इलेक्ट्रोड पे आने के बाद क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस,
यानी कि ये क्लोरीन तो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसी के साथ साथ जो इसमें मेटल के आयन्स थे यानी कि सोडियम के आयन्स थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सोडियम मेटल में और इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यानी कि पूरे रिएक्शन में दो चीज़ें कॉमन हमें समझ में आ गई। पहली, ये वाला साइड क्या हमारा कैथोड है, ये वाला साइड हमारा एनोड है, इस पे Na+ आके इकट्ठा हो रहा होगा, यानी कि डिपोजिशन ऑफ सोडियम मेटल इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे क्लोरीन गैस बन रहा है, याद रखेंगे। चलिए आइए अब रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। देखिए एनोड हाफ सेल, पहले बात करते हैं एनोड पे हो क्या रहा है। हाँ, एनोड पे अभी भी ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था, Cl- क्लोरीन आयन किस में कन्वर्ट हो रहा था, क्लोरीन गैस में। अच्छा कैसे पता चला, ये देखिए माइनस चार्ज है और इस पर चार्ज हमारा कितना है, जीरो। Cl- किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 गैस में। फिर आप इसको बैलेंस कर देंगे, ये बन गया हमारा एनोड हाफ सेल। ऐसे ही अब हम क्या लिखेंगे, कैथोड हाफ सेल। देखिए कैथोड पे क्या हो रहा है, ये लाइन एक्स्ट्रा है। Na+ जो एक्वस फॉर्म में है वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है, सोडियम सॉलिड। अच्छा एक चीज़ देखिए गड़बड़ है यहाँ पे, सिंबल का आप देख लीजिए, करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे तो कौन सा सिंबल रहेगा, माइनस। कैसे, Cl- के मतलब क्या, इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब जाके Cl बनेगा ना। यानी कि आप इस रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, टू Cl- एक्वस चेंजेस टू Cl2 गैस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, कर सकते हैं। चलिए आइए नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं, उसके लिए इसको थोड़ा नीचे करना होगा। ये आपका यहाँ पे नहीं है, ये आपका कहाँ पे है, यहाँ पर है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हमें इसको बैलेंस करना होगा, यानी टू से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये भी टू टाइम्स, ये भी टू टाइम्स और ये भी टू टाइम्स। अब ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए टू Cl- प्लस टू Na+ ये मिलेगा हमें लेफ्ट साइड में, इधर क्या मिलेगा हमें, Cl2 गैस एंड सोडियम मेटल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ये बन गया मेरा नेट सेल रिएक्शन, दिस इज नेट सेल रिएक्शन। देखिए यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब भी हम मोल्टेन गैस का, किसका, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस। कहाँ मिलेगा, एनोड पर, प्लस मुझे क्या मिलेगा, सोडियम मेटल, वो कहाँ मिलेगा, कैथोड पर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अब हम इसको आगे चलिए प्रूफ भी करेंगे कि कैसे मिलता है, फिलहाल आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कर सकते हैं। चलिए या फिर देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये देखिए Na+ Cl- कंबाइन होकर फिर से क्या बन जाएंगे, NaCl। यानी आप चाहें तो इसको 2NaCl भी एक साथ में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, 2NaCl एक्वस फॉर्म में है तो हमें क्या मिलेगा, Cl2 गैस और सोडियम मेटल। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, एक नोट पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, ओनली डीसी सोर्स, यानी कि बैटरी शुड बी यूज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस एज अ रिएक्शन विल बी रिवर्स फॉर ईच अल्टरनेटिंग साइकिल, सो एसी सोर्स कैन नॉट बी यूज्ड। यानी कि जब भी हम अपना इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, बैटरी का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि बैटरी हमें क्या देता है, डायरेक्ट करंट। आपने हो सकता है पढ़ रखा हो, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो अभी आगे आपको चल के फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, जो एसी करंट होती है उसका ग्राफ ऐसा होता है, यानी वो ये नेचर शो करती है, पहले जीरो से टॉप, फिर टॉप से बॉटम, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव ग्राफ बनेगा
ये नेगेटिव रहा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। यदि कि आप देख सकते हैं कि जब भी अल्टरनेट करंट आप यूज करेंगे तो आपको ग्राफ एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलता रहेगा। अब आप देखिए, आपके पास दो इलेक्ट्रोड हैं, आपने इसको नेगेटिव करके रखा हुआ है और इसको पॉजिटिव मान लीजिए। लेकिन जब आपने एसी करंट पास किया तो ये एक बार नेगेटिव है, लेकिन जब ये ग्राफ यहाँ आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर यहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि बार बार चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे ये साइकिल चेंज होगा वैसे वैसे एक बार पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन जाएगा, फिर नेगेटिव वाला पॉजिटिव, यानी कि आपकी रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। पॉजिटिव होगी रिएक्शन आगे बढ़ेगी, नेगेटिव फिर से वापस, फिर पॉजिटिव, फिर आगे बढ़े, फिर नेगेटिव, फिर से वापस। यानी कि इस केस में कभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो हम क्या यूज करते हैं फिर, डायरेक्ट करंट। देखिए डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा स्ट्रेट लाइन, देखिए पूरी की पूरी ग्राफ आपकी कहाँ है, पॉजिटिव नेचर में है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट करंट का सोर्स यानी कि बैटरी यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, ये तो हमें पता ही है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होंगे वो रिएक्शन कैसे शो करते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर, क्योंकि हमें बैटरी लगाने के बाद ये रिएक्शन स्टार्ट होता हुआ मिलेगा, बिना बैटरी के ये रिएक्शन तो होता ही नहीं, इसीलिए तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर है। चलिए अब हम कुछ कीवर्ड सीखते हैं जो आगे हमारे काम आएंगे। पहला, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। अब वाटर का ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, टफ नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। अब मान लीजिए मेरे पास वाटर है और इसका मुझे ऑक्सीडेशन कराना है, क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। तो पहले देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे किस स्टेट में होगा, प्लस वन में, और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, माइनस टू। अभी आप सोचोगे सर ये बैलेंस कैसे हुआ, प्लस वन इंटू टू कितना हो गया, प्लस टू, ऑक्सीजन पे माइनस टू, कर सकते हैं ना। अब देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, चार्ज बढ़ेगा। अब देखिए ये पहले से ही प्लस वन पे है, पहले से ही ये प्लस वन पे है। अब बताइए क्या ये प्लस वन से प्लस टू बन सकता है क्या हाइड्रोजन, नहीं, क्यों, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर इसने ये इलेक्ट्रॉन भी दे दिया तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या वो दे पाएगा क्या, नहीं। प्लस टू हाइड्रोजन के बनने के लिए यानी क्या करना होगा, उसको दो इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे, एक हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो दो इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से देगा। यानी कि एक बात तो तय है कि मेरे H2O में से जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो फिर कौन बचा, ऑक्सीजन का टू माइनस बचा ना, ऑक्सीजन का टू माइनस का मतलब इसी बस दो इलेक्ट्रॉन पहले से एक्स्ट्रा पड़े हैं, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है और दे के इसका चार्ज कम कर लेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज कम होगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, तो बताइए ऑक्सीडेशन किसकी होगी, ऑक्सीजन की। देखिए जब यहाँ से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन टू माइनस से दो इलेक्ट्रॉन देकर क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे। तो देखिए ये बन जाएगा O2 गैस, मेरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी कि H2O में ऑक्सीजन आयन किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ऑक्सीजन गैस में। अब देख लीजिए इसको बैलेंस कर लीजिए। अब हाइड्रोजन कितने हैं, दो हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से टू माइनस से यहाँ गया ना, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए होंगे। चलिए ये तो हो गया, अब बैलेंस कर लीजिए, देखिए क्या बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो आप इसके लिए क्या लिख लेंगे, टू एच प्लस। अच्छा उसको लिखने से पहले आप ये देखिए, ऑक्सीजन के यहाँ पे दो एटम, यहाँ पे एक एटम, यानी यहाँ से टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना होगा, हाइड्रोजन के लिए देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन टू टू या फोर है, यानी कि हमें यहाँ लिखना होगा फोर एच प्लस इन एक्वस फॉर्म। अच्छा यहीं पे हमारा काम नहीं रुकता, अब हम यहाँ पे चार्ज को भी चेक करेंगे, चार्ज बैलेंस हुआ कि नहीं। देखिए
ओवरऑल इस साइड में कोई चार्ज नहीं है, वाटर पे जीरो चार्ज है, यानी कि ओवरऑल ये सब न्यूट्रल है, यानी चार्ज जीरो है। इधर भी हमारा चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कहाँ गया, ठीक है। तो बताइए ये अगर फोर पॉजिटिव है और ये दो इलेक्ट्रॉन मतलब दो नेगेटिव है, क्या ओवरऑल चार्ज जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, हमें इसको भी क्या करना होगा, फोर इलेक्ट्रॉन करना होगा। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका आप ये भी यूज कर सकते थे, ऑक्सीजन का एक एटम पे दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्योंकि अभी यहाँ पे टू से आपने मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन के दो एटम हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हो गए इसने, चार इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपकी रिएक्शन क्या बन गई, 2H2O gives you O2 gas plus 4 electrons plus 4H plus aqueous। चलिए ये चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, देखिए 2H2O converts to O2 gas, 4 electron and 4H plus aqueous। अब आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, हम आपको बताते चलेंगे। ये देखिए ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, किसका, वाटर का, कितना होगा -1.23 वोल्ट। अभी तो आपको देख के करा रहे हैं लेकिन आपको ये याद हो जानी चाहिए। अब एक बात, दूसरी चीज़ आपको इसका n फैक्टर निकालने आना चाहिए। क्या n फैक्टर, देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा होता है। n फैक्टर में आपको क्या करना है, जो n है, n नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, उसको अपने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना आ रहा है, यही है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करें, आप 4 को इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड, किसका कोएफिशिएंट कितना है 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 2, यानी कि इस क्वेश्चन का, इस रिएक्टेंट का नेट एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2। ऐसे इसके लिए कैलकुलेट करिए, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 4 डिवाइडेड बाई इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, 4 हो गया। इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं कैलकुलेट करते, इसके लिए H प्लस के लिए देखिए, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 4 डिवाइडेड बाई इसका कोफिशियंट भी कितना 4, कितना आ जाएगा 1। चलिए ये चीज़ करने आना चाहिए आपको। तो देखिए आपका एन फैक्टर कैलकुलेट करने आ गया, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, रिडक्शन ऑफ H2O। इसमें क्या होगा, आपका वाटर अब रिड्यूस होगा। अब देखिए H2O में यहाँ लिख लेते हैं, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2। हाइड्रोजन पे +1 होने का मतलब क्या है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है, तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि नहीं, हाँ ले सकता है। ऑक्सीजन पहले से दो इलेक्ट्रॉन लिया है, क्या और इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहेगा, नहीं। तो इसमें कौन चेंज होगा, एच प्लस, किस में, एच टू गैस में। तो चलिए देखिए रिएक्शन बन जाएगा, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन गैस प्लस OH माइनस, प्लस OH माइनस। अभी आप सोच रहे होंगे सर ये वैल्यू ऐसे कैसे रखी गई है, माइंड में चल रहा है, आइए दिखाते हैं H2O। अब देखिए हाइड्रोजन के एक एटम पे एक प्लस चार्ज है, दो एटम पे दो प्लस चार्ज है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन लेगा ये, और ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। यहाँ तक क्लियर है, अब ध्यान से देखिए इस पूरे रिएक्शन में ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे हम लगा देंगे हाइड्रोक्साइड आयन, एक ऑक्सीजन है तो एक OH माइनस। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए अभी प्रोडक्ट में, 3, यहाँ कितने हैं 2, ये तो बैलेंस नहीं हुआ, तो बैलेंस कर लीजिए। अब आप क्या करें, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करिए, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, आप देखिए बैलेंस हो गया, क्या हो गया ना। तो ये बन गया आपका रिएक्शन 2H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाइड्रोजन गैस प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन। अब इसकी आपको रिडक्शन पोटेंशियल देखनी होगी, वाटर की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितनी आती है, -0.827 वोल्ट, -0.827 वोल्ट। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अभी तक आपको जो बताया गया, मान लीजिए जिंक चेंजेस टू जिंक
प्लस कि अगर हम आपको एसओपी दे दें 0.34 वोल्ट और हम आपसे इसकी एसआरपी पूछ ले तो आप बता लेते थे कितना होता था, -0.3 वोल्ट। इसी को रिवर्स करते थे पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन ये चीज़ आपके वाटर पे अप्लाई नहीं है, ठीक है। तो आप वाटर में ये केस नहीं लगाएंगे, इसलिए आप नोट पॉइंट में करके लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर। आपको याद रखना है कितनी वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज -0.827 वोल्ट। कितना? -0.827 वोल्ट। आइए और कुछ डिस्कस करते हैं जो आपके काम का है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। हाँ, मोल्टेन NaCl यानी कि लिक्विड NaCl अगर आपने लिया है और उसका इलेक्ट्रोलिसिस आप करा रहे हैं तो वो कैसे होगा, क्या रिएक्शन बनेगी, आइए देखते हैं। मोल्टेन NaCl का मतलब आपको क्या मिल रहा होगा, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस मिलेगा ना, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन लिखते हैं, वैसे एक बार तो पीछे डिस्कस कर ही लिए हैं फिर भी देख लीजिए। देखिए कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड किससे बना होगा, नेगेटिव वाले से, हाँ क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अपोजिट केस चल रहा है। गैल्वेनिक सेल में कैथोड कैसा होता था, पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव पे कौन आएगा, Na प्लस या Cl माइनस, जाहिर सी बात है Na प्लस आएंगे। तो देखिए Na प्लस इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, मेटल का सॉलिड, यानी कि Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव्स अस Na सॉलिड। यानी कि ये जो कैथोड बन रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा होगा, मेटल का डिपोजिशन यानी कि मेटल कलेक्ट हो रहे होंगे, वो भी कौन सा, सोडियम। एनोड पे क्या हो रहा होगा, जो क्लोरीन आयन एक्वस में है वो क्या हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोरीन गैस बना रही होगी यानी कि ऑक्सीडाइज होके। तो देखिए जो Cl- है वो किस में चेंज हो रहा होगा, Cl2 गैस में। बैलेंस करने के लिए हमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 2 Cl- यानी कि दो नेगेटिव चार्ज, तो दो इलेक्ट्रॉन ये लूज करके क्या बनेगा, Cl2 यानी कि -2 इलेक्ट्रॉन। इधर का -2 उधर जाके क्या होता है, +2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। तो ये बन गई आपकी एनोड रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब क्या करना है आपको, नेट सेल रिएक्शन लिखना है, तो आप नेट सेल रिएक्शन लिख लीजिएगा, क्या बन जाएगा, Na प्लस Cl माइनस मिल के बन जाएंगे आपके 2NaCl, ठीक है। ये बैलेंस नहीं था ना, इसको बैलेंस कर लीजिएगा 2, 2 और 2। अब नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बैलेंस हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2NaCl और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस और ये मिलेगा आपको एक्वस फॉर्म में, कर सकते हैं। अभी पीछे रिएक्शन लिखे थे ना, ये वही चीज़ है। आइए कुछ और डिस्कस करते हैं जिसमें हम नया सीखेंगे, वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलर का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर NaCl सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, यानी कि मोल्स ऑफ NaCl होगा, एक मोल NaCl उसमें होगा। आज के लेक्चर में हम 1 मोलर NaCl के बारे में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अगर मेरा सॉल्यूशन 1 मोलर से ज़्यादा कंसंट्रेशन का हो जाता है या कम का हो जाता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आज तो बस हम इतना ही पढ़ेंगे कि 1 मोलर रहने पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखिए कैथोड और एनोड दो फिर से बनेंगे पोटेंशियल। अब देखिए कैथोड पे क्या क्या हो सकता है, ये हमारा कैथोड और ये हमारा एनोड। अगर हम कैथोड की बात करें तो देखिए एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वाटर है प्लस NaCl भी है उसमें, 1 मोलर NaCl है। तो अब देखिए NaCl आपको किस फॉर्म में मिलेगा, Na प्लस Cl माइनस, यानी कि यहाँ से Na प्लस भी यहाँ जा सकता है
यहाँ पे वाटर का क्या हो सकता है, रिडक्शन। आप सोच रहे होंगे सर दोनों कैसे हो सकता है, अभी तो हमने आपको पढ़ाया था रिडक्शन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का भी रिडक्शन पॉसिबल है, इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर का भी रिडक्शन होता है और NaCl का भी रिडक्शन हो सकता है। तो आपको देखने आना चाहिए कि दोनों में से किसका होगा। हाँ याद है आपको एक टाइप का हम क्वेश्चन कराते थे SOP और SRP वैल्यूज पे, वहाँ से हम देख के डिसाइड करते थे किसकी रिडक्शन पावर ज़्यादा है, यानी जिसके SRP वैल्यू ज़्यादा है वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि वाटर और Na+ दोनों में से किसकी SRP वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। जिसकी SRP वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी वही क्या होगा, रिडक्शन शो करेगा। क्लियर है, यानी कि अब कंपटीशन हो गया। रिडक्शन होने के लिए दो ऑप्शन है, एक है वाटर दूसरा है Na+, और हमें देखना है कौन रिड्यूस होगा कौन रिड्यूस नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए, अभी तो वैल्यू आपको यहाँ पे दे दी जाएंगे सब कुछ, कोशिश करेंगे आप वैल्यू को थोड़ा थोड़ा याद कर ले, ज़्यादा नहीं है थोड़ा थोड़ा है। अभी हम यहाँ इससे क्या क्या हो सकता है, कैथोड पे क्या हो सकता है, रिडक्शन ऑफ Na+ आयन, और क्या हो सकता है, रिडक्शन ऑफ वाटर। इसी तरह एनोड पे क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन ऑफ Cl-, और क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, दोनों पॉसिबल है। ये डिपेंड करेगा SOP पर, जिसकी SOP की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी पॉजिटिव वही क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। इसी एक किस पर डिपेंड करेगा, SRP पर। आइए डिस्कस करते हैं। अब देखिए एट कैथोड रिडक्शन हो रहा है, तो देखिए रिडक्शन में क्या क्या हो सकता है, ये दिया है क्या क्या हो सकता है। पहला Na+ इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर Na सॉलिड बन जाए, तो इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज -2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना, -2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम वही वाटर की बात करें तो उसकी वैल्यू आती है -0.827 वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, ये वोल्ट है, ये 6 है ना, 2.76 वोल्ट। आप दोनों में बता देख के बताइए किसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है। हाँ वो ये वैल्यू होगी, क्योंकि नेगेटिव में अगर वैल्यू बड़ी होती है तो एक्चुअली उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है, यानी कि ये वैल्यू बड़ी है। तो बताइए किसका रिडक्शन होगा फिर, वाटर का। बात समझ में आ रही है, और वाटर के रिडक्शन से क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन गैस। एक चीज़ क्लियर हो गई। ऐसे ही हम चेक करेंगे किसको, हाँ एनोड को भी। तो आइए एनोड को भी चेक करते हैं। देखिए क्या दिया है, अच्छा ये उसी का एक्सप्लेनेशन दिया है, आप देख लीजिएगा उसको। नेक्स्ट एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीडेशन। पहला क्या हो सकता है, 2Cl-Cl2 गैस में कन्वर्ट हो सकता है, उसके लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है कितनी, -1.35 वोल्ट। आपको ये वैल्यू भी याद रखनी होगी। दूसरा वाटर का SOP वैल्यू आप देखिए, तो वो होता है -1.23 वोल्ट। अब हमें ये बताइए किसकी SOP की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है, हाँ दिख गया था इसकी। तो बताइए किसका ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का, होना यही चाहिए। हाँ ध्यान रहे हम क्या करें, होना यही चाहिए, लेकिन वाटर के केस में जब वाटर और क्लोरीन, यानी कि आप एक्वस NaCl सॉल्यूशन की बात करेंगे, उस केस में ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए डिस्कस करते हैं। अभी आपको बात समझ में आ रही है ना, तरीका क्या है, यही है बस, आपको एक केस आपको याद रखना है, उस केस में ये तरीका जब आपको वाटर मिलेगा आपको यूज नहीं करना है। आप किसको करेंगे, आप इसी को यूज करेंगे। अभी हम आपको रीजन भी एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये याद रखना है आपको, लेकिन बाकी अदर केसेस में आप ऐसे ही चेक कर लेंगे, SOP निकाल लेंगे, SRP निकाल लेंगे, और उसके बेस पर डिसाइड कर लेंगे किसका ऑक्सीडेशन कराना है, किसका रिडक्शन कराना है और किसका नहीं कराना है। अभी देखिए आपको ये जो वैल्यू दिख रही है ना, -1.3 वोल्ट, आइए हम इसको थोड़ा सा
एक्सप्लोर करते हैं। जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दिख रहा है -1.23 वोल्ट, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? पहली बात ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। किस डायरेक्शन में हो रहा है? रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कभी भी किसी चीज़ का वोल्टेज माइनस जीरो या जीरो से छोटी नहीं हो सकती, हमेशा जीरो से कुछ बड़ी होती है ना। माइनस इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा है या पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, यानी कोई डायरेक्शन के लिए लगाया गया है। यानी कि हमारी ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली कितनी है मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो 1.23 वोल्ट। इस हिसाब से अगर हम 1.23 वोल्ट प्रोवाइड करें तो वाटर का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन स्टार्ट नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों। एक्चुअल में ये स्टार्ट होता है 1.48 वोल्ट, माइनस लगा लीजिएगा डायरेक्शन की वजह से, आप उसको छोड़िए। अभी आप इस पे फोकस करिए, 1.48 वोल्ट, यानी कि बीच में ये जो गैप मिल रही है, अगर आप ध्यान से उस गैप को ऑब्जर्व करेंगे तो वो गैप होगी 0.25 वोल्ट की। कितनी की होगी? 0.25 वोल्ट की। ये क्या है? ये एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए होता है, ये एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, ऑक्सीडेशन कराने के लिए नहीं। ऑक्सीडेशन कराने के लिए उसको तो सिर्फ इतना ही चाहिए, लेकिन वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें इतना एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसको हम बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज। अब अगर मान लीजिए, अभी आप एक मिनट के लिए भूल जाइए क्यों चाहिए होता है, कैसा चाहिए होता है, अभी डिस्कस करेंगे हम। पहले आप ये मान लीजिए, जिसको अब एक्चुअली हमें मालूम चल गया कि एक्चुअल वैल्यू इसको कितना चाहिए, -1.48 वोल्ट, और क्लोरीन को कितना चाहिए, -1.35 वोल्ट। अब आप हमें देख के बताइए किसकी एसओपी की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है ना, क्लोरीन की। यानी कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होगी और वाटर की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, एक बात क्लियर है। अब मुद्दा ये है कि ये ओवर पोटेंशियल क्या है और कहाँ से आ गया, तो आइए डिस्कस करते हैं। कई बार ऐसा होता है, जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ें, हमें उतनी चीज़ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिलती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक बाइक खरीदी, ठीक है, मेरी बाइक सस्ती वाली थी, यानी कि उसमें सेल्फ नहीं था, सेल्फ था ना ऑटोमेटिक स्टार्ट करने वाला, वो नहीं था, ठीक है, यानी कि मुझे किक से स्टार्ट करनी है। मैंने गाड़ी कब खरीदी, मान लीजिए समर डेज में, अभी मान लीजिए रिसेंटली खरीदी, ठीक है। तो मैंने गाड़ी ली, तो गाड़ी वाले जो डीलर थे उसने कहा कि इस गाड़ी की एक खास बात है, आप एक बार में एक किक में आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। कितना? एक किक में आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने खरीदी, मैंने चेक भी की, कई बार चेक की, और हर बार वो एक किक में गाड़ी स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। मैंने ले आई, अब मैंने उसको यूज किया, और यूज करने के 6 महीने बाद क्या आ गया, हाँ, विंटर डेज आ गया। अब देखिए, विंटर डेज आने के बाद क्या हुआ, फिर मैंने एक दिन गाड़ी निकाली, मुझे स्कूल आना था, सुबह सुबह किक मारता स्टार्ट किए, मुझे लगे 5 किक, तब जाके गाड़ी स्टार्ट हुई। अब ध्यान समझिएगा, मेरे हिसाब से मुझे कितने किक मारनी चाहिए थी, सिर्फ एक, और गाड़ी को स्टार्ट होना चाहिए था। लेकिन गाड़ी स्टार्ट कब हुई, 5 किक पे, एक किक तो होना ही चाहिए था, यानी कि मुझे कितने एक्स्ट्रा किक मारने पड़े, 4। ये जो 4 किक एक्स्ट्रा लगा ना, इसी को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा। ये हमारी वैल्यू जैसे मैंने एक्सपेक्ट की थी वो तो था ही नहीं, उससे एक्स्ट्रा लग गया, कुछ ऐसा ही है। जब आप वाटर का ऑक्सीडेशन कराने की कोशिश करते हैं, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, आपको वैल्यू कितनी रखनी चाहिए थी, -1.2523 वोल्ट लगनी चाहिए थी। लेकिन आपको ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर प्रोसेस है वो इतना स्लो है कि आपको उसको एक्टिव करने के लिए आपको अलग से 0.25 वोल्ट एनर्जी और सप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसमें सम कर देंगे तब
यानी कि एक्चुअली ये स्टार्ट कब होगा, -1.48 वोल्ट पे। तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू लग रही है 0.25 वोल्ट, इसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पोटेंशियल या एक्स्ट्रा वोल्टेज। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं अब केमिस्ट्री लैंग्वेज में। चलिए ये सब कुछ यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देखिए। बट ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस एट रूम टेम्परेचर एंड रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि उसको एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए भाई, एनर्जी चाहिए, विच इज सप्लाइड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज फ्रॉम बैटरी। और वो कहाँ से सप्लाई की जाती है, बैटरी के हेल्प से। सो द एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड, इसीलिए जो एक्स्ट्रा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ी है अपने प्रोसेस को स्टार्ट कराने के लिए, टू स्टार्ट द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज। इसी को हम ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज कहते हैं। तो बात समझ में आ गई आपको, कोई डाउट है, नहीं है? चलिए आगे देखिए, रीजन भी साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। ड्यू टू ओवर वोल्टेज ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन आयन विल हैपन, होना आपको देख के क्या लग रहा था, क्योंकि एसओपी की वैल्यू मोर पॉजिटिव दिख रही थी, किसकी, वाटर की, तो वाटर की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए थी, लेकिन उसको ओवर वोल्टेज चाहिए होता है, यानी कि 0.25 वोल्ट और एक्स्ट्रा चाहिए होता है। जब आप वो उतनी वैल्यू देंगे तो देने से पहले ही क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ओवरऑल अच्छा कौन है, क्लोरीन, इसीलिए ओवर वोल्टेज के कारण से क्लोरीन का ऑक्सीडेशन प्रोसेस पहले ही स्टार्ट हो जाता है और आपको क्या मिलने लगता है, क्लोरीन गैस मिल जाता है और वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होता, यानी कि आपको ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई, आइए अब डिस्कस करते हैं ये किस पर डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ ओवर वोल्टेज, जो ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल की वैल्यू है अभी कितनी आई थी, 0.25 वोल्ट, वो किस पर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड आप बनाएं, क्योंकि वाटर का इलेक्ट्रोड तो बना ही नहीं सकते हम, हमने ग्रेफाइट लगाया होगा या प्लेटिनियम लगाया होगा या प्लेटिनियम कोटेड लगाया होगा ना, हाँ, तो वो जो प्लेटिनियम कोटेड जो भी हमने लगाया उसकी जो नेचर होगी ये उस पर डिपेंड करता है। पहला देखिए, ऑक्सीजन के लिए फॉर O2 गैस जो ओवर वोल्टेज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.05 से लेके 0.45 के बीच में होती है, यानी कि 0.05 से बड़ी और 0.45 वोल्टेज तक होती है, यानी कि 0.45 भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है। वैसे ही प्लेटिनम कोटेड, यानी कि आपने कोई एक इलेक्ट्रोड बनाया उसकी कोटिंग किसे कर दी आपने, प्लेटिनम की, उस केस में ये वैल्यू कितनी होती है, 0.25 वोल्ट, जो कि अभी पीछे आई थी। लेकिन अगर आपने स्मूथ प्लेटिनम लिया, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का प्लेटिनम प्योर, तो उस केस में ये कितनी हो जाती है, 0.45 वोल्ट भी हो जाती है। अभी हमारे केस में या मैक्सिमम केस में हम जो यूज करते हैं वो क्या है, प्लेटिनम कोटिंग यूज करते हैं, यानी कि उस केस में ओवर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, 0.25 वोल्ट आएगी। सही है, समझ आ गया। चलिए अब हम थोड़ा सा जो समराइज करते हैं एक्चुअली आपने क्या सीखा। अब देखिए कैथोड पे क्या हुआ, हाँ कैथोड पे तो वाटर का क्या बन गया, रिडक्शन, और वो क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस में। कैसे बना भी, पीछे हमने करके दिखाया ही था आपको, देखिए फिर से दिखा दें, चलिए देखिए शायद आपको इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाए। देखिए रिडक्शन कराना है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, ऑक्सीजन के पास पहले से दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2- चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा फिर, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एच प्लस फॉर्म में है, यानी कि इसके एक इलेक्ट्रॉन था वो भी इसने दे रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो बताइए एक एच प्लस पर एक प्लस चार्ज होगा, तो दो है तो दो प्लस चार्ज होगा, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन ओवरऑल एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस,
जो H प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में। अब हम बैलेंस करेंगे किसको, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन एक एटम है तो OH माइनस से इसको बैलेंस करेंगे एक प्लस फॉर्म में। अब ध्यान से देखेंगे तो आपके रिएक्शन बैलेंस ही नहीं हुई, हाइड्रोजन क्या हो गया आपके पास थ्री हो गया, तब आप क्या करें यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी टू से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया आपका रिएक्शन किसका, कैथोड का। ध्यान रहे कैथोड पर रिएक्शन किसकी हो रही है, वाटर की, यानी कि वाटर का रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, सोडियम का नहीं हो रहा है, यानी कि इस टाइम पे जो Na प्लस एक्वस है वो पूरा फ्री उसी में घूम रहे होंगे क्योंकि उनका तो कोई यूज ही नहीं था, लेकिन है वो उसी सॉल्यूशन के अंदर, अभी हम उसको यूज करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट है हमारा एनोड, अभी हमने डिस्कस किया एनोड पे हाँ किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, वाटर का, लेकिन किसका होगा, क्लोरीन का। क्यों होगा, क्योंकि क्लोरीन की जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है वाटर के एसओपी की वैल्यू से, और ऐसा क्यों होता है, सिर्फ सिर्फ ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल की वजह से। तो देखिए तो वो क्या होगा, Cl- किस में कन्वर्ट होगा, Cl2 गैस। देखिए दो एटम है यहाँ पे, टू से मल्टीप्लाई करिए बैलेंस करने के लिए। अब देखिए दो नेगेटिव है ना, यानी कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बात समझ में आ रही है, इतना कर सकते हैं। तो चलिए अब नेट सेल रिएक्शन रखते हैं, ये देखिए ये हमारा नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कैंसिल हो जाएंगे 2H2O, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2H2O प्लस 2Cl माइनस इन द फॉर्म ऑफ एक्वस विल गिव अस, यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, H2 गैस प्लस Cl2 गैस प्लस, देखिए हमें क्या मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। अच्छा इसके साथ साथ क्या कुछ और भी एक्स्ट्रा बचा था क्या, हाँ याद आया, कौन, सोडियम आयन, वो तो अभी पूरा का पूरा सॉल्यूशन में बचा है, अब हम उसको यूज करेंगे। देखिए कहाँ पे कर सकते हैं, ये जो Cl- है इसका सोडियम आयन से क्या करा सकते हैं, रिएक्शन, और देखिए ये जो OH- है नेगेटिव इसके साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो रिएक्शन करा के देखिए क्या बनाएंगे, ये तो वैसे ही रहेगा, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें 2H2O ऐसे मिलेगा लिक्विड फॉर्म में प्लस, ये देखिए Na पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, क्लोरीन पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज, कंबाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, NaCl, तो वो हो जाएगा 2NaCl गिव्स अस, किधर गया, H2 गैस Cl2 गैस, क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं है तो वो इनके साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन इन्हीं के साथ जो OH माइनस है वो तो नेगेटिव चार्ज है, वो उसके साथ रिएक्शन शो करेगा और क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक बेस है ना, अगर ये एक्वस फॉर्म में मिला तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं, ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं दो आर नोन एज अल्कली। अब ध्यान से देखिए ये है मेरी कंप्लीट रिएक्शन, देख सकते हैं, अब आपको देखिएगा क्या है, क्योंकि इस पूरे रिएक्शन में आपको क्या मिला, क्लोरीन गैस और क्या मिला, अल्कली, तो हम इस रिएक्शन को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम, क्लोर अल्कली प्रोसेस। आपके माइंड में चल रहा होगा ऐसा क्यों, देखिए क्लोर स्टैंड्स फॉर क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन का फॉर्मेशन दिख रहा है, अल्कली स्टैंड्स फॉर बेस, यहाँ पे बेस भी फॉर्म हुआ, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस भी इसको कहा जाता है, बात समझ में आ रही है, कर सकते हैं। चलिए आइए ये डिस्कस करते हैं, सिंस इन दिस रिएक्शन और प्रोसेस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन Cl2 गैस एंड अल्कली NaOH इज हैपनिंग, therefore this process is known as chloralkali process। तो आज इतना ही, आप एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करें, समझने की कोशिश करें, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आपको चार वैल्यू याद रखनी है, हाँ दो SOP वैल्यूज, दो SRP वैल्यूज, दो वैल्यूज
किसके लिए? वाटर के लिए, और दो वैल्यूज किसके लिए? क्लोरीन के लिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।